हल्द्वानी के श्रम विभाग में बीते माह हुए साइबर अटैक के बाद एक बार फिर से श्रम कार्ड के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर यूपी श्रम आयुक्त कमल जोशी ने बताया कि उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के नवीनीकरण व नए पंजीकरण की कार्रवाई 2 महीने तक बाधित रही, लेकिन अब नवीनीकरण और पंजीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है। 2 महीने कार्य बाधित रहने के दौरान जिन लोगों के नवीनीकरण का कार्य छूटा है उसे भी पूरा किया जा रहा है। इसके बाद टूल किट वितरण किए जाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बीच में जो साइबर अटैक हुआ था उस वजह से लगभग 2 माह तक हमारे जो कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं वो प्रभावित रहे थे, लेकिन अभी पिछले सप्ताह जो है वो जो नवीनीकरण का कार्य है वो प्रारंभ कर दिया गया है। क्योंकि नवीनीकरण न होने की वजह से बहुत सारे लोग जो जिनकी जिनका रिन्यूअल वगैरह होना था उनकी डेट वगैरह निकल जा रही थी, तो इसलिए वो प्रारंभ हो गया है। और रिन्यूअल के बाद जो है हमारे सामान वितरण का जो पूरे प्रदेश स्तर पर काम चल रहा है, हमारे सभी जो यहाँ से जिले हम लोग देखते हैं वहाँ काम चल रहा है, उसमें सारे लोगों को जो है रिन्यूअल के बाद जो है सामान हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कुछ और वर्क भी है वो भी बहुत जल्दी हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाएंगे ताकि श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ जो है श्रम विभाग से मिल सके।